तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दवा रियल स्टडी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, DFCCIL के घर देर है अंधे नहीं। जी हाँ दोस्तों, DFCCIL ने एक और खुशखबरी दी है आप सभी लोगों के लिए, खासकर MTS वालों के लिए, सिविल वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, सिविल के ज्वाइनिंग लेटर जारी हो चुके हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, जो बहुत बच्चे परेशान थे, बहुत लगभग एक महीने से इंतज़ार कर रहे थे अपनी ज्वाइनिंग लेटर को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा, पुराने समय में DFCCIL ने ऑपरेटिंग में 1 से 100 तक के ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए थे। उसके बाद दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें 12 ज्वाइनिंग लेटर और जारी किए गए थे, जो सिर्फ ऑपरेटिंग कैंडिडेटों के लिए थी। लेकिन दोस्तों आज की डेट में DFCCIL ने एक और तोहफा दिया है आप लोगों के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि 50 कैंडिडेट जो MTS सिविल से हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे सिविल के 200 कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग लेटर एक साथ नहीं आई दोस्तों, यहाँ पे मात्र 50 कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 से 50 तक की रैंक वालों के ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं दोस्तों। और जैसा कि मुझे पता है कि दवा रियल स्टडी जब भी जो भी जानकारी लेकर आता है वो विद प्रूफ के साथ लेकर आता है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको प्रूफ बताना चाहूँगा कि ज्वाइनिंग लेटर कहाँ आ गए हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप कहाँ से पता, क्या पता, प्रूफ बताइए। तो चलिए चलते हैं पहले प्रूफ की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे ये देख लीजिए, ये रहा प्रूफ दोस्तों। 12:41 का मैसेज है, दोपहर में 12:41 का मैसेज है। यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रीटिंग टू DFCCIL मेडिकली फिट। यहाँ पे ये फिट पाए गए हैं दोस्तों, और इनकी ज्वाइनिंग जो डेट है 15/11/2019 रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 15/11/2019 रखी गई सिविल। और यहाँ पे आप पोस्ट का नाम भी देख सकते हैं दोस्तों, पोस्ट ऑफ MTS सिविल। जी हाँ दोस्तों, सिविल की ज्वाइनिंग आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे सिविल की ज्वाइनिंग 1 से 50 वालों की आई है। आने वाले समय में आप लोगों की भी आ जाएगी, जिनकी रैंक 50 से 200 के बीच में है, जिनका सीरियल नंबर, उनकी भी बहुत जल्दी रैंक आएगी दोस्तों। तो यहाँ पे 15 तारीख को इनकी ज्वाइनिंग डेट दी गई है, 9:30 का टाइम दिया गया है। वही हर ज्वाइनिंग में जितना टाइम दिया जाता वही, और एड्रेस भी आपको पता होगा, DFCCIL का हेडक्वार्टर, जिनका DVR मेडिकल हो चुका है उनको एड्रेस अच्छे से इसका पता होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात तो अच्छे से साबित हो जाती है कि DFCCIL के घर देर है अंधे नहीं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही अभी कुछ दिन पहले जैसे ही 12 कैंडिडेटों की ऑपरेटिंग के ज्वाइनिंग लेटर आए थे दोस्तों, उस समय मैंने बहुत कैंडिडेटों को नोटिस किया, ग्रुप वगैरह में देखा, तो बहुत सारे कैंडिडेट इस तरीके से परेशान थे कि पता नहीं मेरा कब आएगा, हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, पता नहीं DFCCIL क्यों इतना लेट कर रहा है, DFCCIL बहुत लेट है। और DFCCIL के बारे में 1000 बातें हैं मुझे, 1000 लोगों से 1000 प्रकार की बातें सुनने मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात देखने के लिए क्लियर हो जाती है दोस्तों, DFCCIL अपना काम अपनी तेज़ी से ही कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत तेज़ी से कर रहा है, यदि कहा जाए तो बहुत तेज़ी से, क्योंकि दोस्तों पुराने वीडियो में मैंने बोला था कि आप 20 तारीख तक का वेट कीजिए, 20 तारीख तक आपको कोई ना कोई अपडेट मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आज 28 तारीख है, 20 तारीख से 28 तारीख के बीच में दोस्तों DFCCIL ने 3 अपडेट दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 अपडेट। पहला तो 12 कैंडिडेट ऑपरेटिंग के उनका ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया, उसके 1 से 2 दिन बाद दोस्तों जो स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर की पोस्ट पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हुआ था, उनकी ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, दूसरा अपडेट यही था। और इसके बाद तीसरा अपडेट आज आपको देखने को मिला है, दीपावली के 1 दिन बाद ये दीपावली का तोहफा ही समझिए DFCCIL की ओर से, सिविल वालों की 1 से 50 तक की ज्वाइनिंग आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में बोला था, जनवरी तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों, सेकंड फेज़ का भी जनवरी के पहले क्लियर हो जाएगा, सेकंड फेज़ की कोई अपडेट आ ही जाएगी। इसके बाद दोस्तों वेटिंग लिस्ट की अपडेट मार्च से पहले 100% आ जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने जो डेटें दी हैं उसी डेट पर होगा दोस्तों, 1 से 2 दिन आगे पीछे होगा। लेकिन दोस्तों मेरा आपसे ये वादा है कि आप जो बोल रहे हैं कि 1 साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे, 1.5 साल लग जाएगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों इस तरीके की फालतू अफवाहों में बिल्कुल भी ना आए। आपका सिलेक्शन होगा, सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग आनी है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। दवा रियल स्टडी के साथ इसी प्रकार से बने रहें दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अभी। इसके बाद दोस्तों जो भी अपडेट आ रही है आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगी, हर छोटी बड़ी अपडेट दूंगा दोस्तों, तो चैनल पर इसी तरह का प्यार बनाए रहें। तो फिलहाल अभी आई है सिविल वालों की ज्वाइनिंग दोस्तों, 1 से 50 सीरियल नंबर वालों की ज्वाइनिंग आ चुकी है, प्रूफ मैंने आपने वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों प्रूफ। अब बात करते हैं उन लोगों की, जिन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं आई है। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इसके पहले मैंने जो वीडियो रिसेंटली वीडियो डाला था 2600 पोस्टों को लेकर कैप्टन और को कैप्टन की, जो हाल ही में DFCCIL ने न्यूज़पेपर की कटिंग से मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि DFCCIL में अभी कैप्टन और को कैप्टन की
वैकेंसी निकलनी है, उसके बाद दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि एमटीएस के वर्क कब पहले मालगाड़ियाँ चलेंगी उसके बाद एमटीएस का वर्क रहेगा या ऑपरेटिंग का वर्क रहेगा। तो दोस्तों उस कटिंग में शायद आपने ध्यान से नहीं देखा, उस कटिंग में ये लिखा था कि अक्टूबर में जो ट्रायल स्टार्ट होना है दोस्तों उसके लिए DFCCIL रेलवे से कर्मचारी ले लेगा। तो रेलवे के कर्मचारी अभी जो ट्रेनों का मालगाड़ियों का ऑपरेटर है ऑपरेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो रेलगाड़ियों को अभी रेलवे के कर्मचारी ऑपरेट करेंगे दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कैप्टन को कैप्टन के बाद ज्वाइनिंग हो दोस्तों, ज्वाइनिंग उनको ज़रूरत थी तभी उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला था। बस यही है कि ट्रेनिंग सेंटर अभी खाली नहीं है दोस्तों, जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर से खाली होते हैं और उनसे शेड्यूल आता है DFCCIL के पास, वो आपकी ज्वाइनिंग करवा देगा। और मेरा आपसे ये वादा है कि आपको जनवरी के पहले पहले फर्स्ट फेज़ के सभी कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग हो जाएगी और जनवरी तक दोस्तों सेकेंड फेज़ का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल 100% हो जाएगा। तो दोस्तों फेज टू वालों के लिए भी खुशखबरी है, जो सोच रहे थे कि पता नहीं 1 साल 2 साल लग जाएंगे, तो उनके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि DFCCIL अच्छे से काम कर रहा है और मात्र 8 दिन में DFCCIL ने 3 अपडेट जारी किए हैं। तो दोस्तों ये यदि इस प्रकार से DFCCIL काम करता रहा तो दोस्तों 20 नवंबर से पहले पहले सभी कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, मेरा आपसे वादा है दोस्तों। तो फर्स्ट फेज के सभी कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग 20 नवंबर से पहले पहले हो जाएगी यदि DFCCIL इसी प्रकार कार्य करता रहा और DFCCIL को कोई दिक्कत नहीं हुई, यदि ट्रेनिंग सेंटर खाली होते रहे तो दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और दोस्तों सिविल की ज्वाइनिंग कितने मतलब होने के बाद दोस्तों ट्रेनिंग रहती है सिविल की 2 महीने की और ऑपरेटिंग वालों की 1 महीने की। तो लगभग ऑपरेटिंग वालों का 1 महीना कम्प्लीट होने को है, जैसा कि 12 से 13 तारीख को जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग पे गए थे पिछले महीने इसी महीने मतलब, तो नवंबर में 12 13 तारीख को उनकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे जो बाकी कैंडिडेट ऑपरेटिंग वाले हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको 12 के बीच में उनको अपडेट मिल जाएगी, कोई ना कोई 12 से पहले उनको अपडेट मिल जाएगी और उनकी ट्रेनिंग भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 12 कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग आई है उनका 4 नवंबर को ज्वाइनिंग है दोस्तों। 4 नवंबर को 12 कैंडिडेट जो ऑपरेटिंग से बिलोंग करते हैं उनकी 4 नवंबर को ज्वाइनिंग है। ASM की जो स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर की उनकी ज्वाइनिंग 7 तारीख को है। जी हाँ दोस्तों 7 नवंबर को है। और यहाँ पे जो सीरियल क्रमांक 1 से 50 वाले सिविल की ज्वाइनिंग लेटर आए हैं दोस्तों उनकी ज्वाइनिंग है 15 तारीख को 15 नवंबर को। तो दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट हो सकता है 20 नवंबर को ज्वाइनिंग डेट दी जाए, जो भी अगला अपडेट आए उसकी ज्वाइनिंग डेट 20 नवंबर हो सकती है, 25 हो सकती है, 30 हो सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों नवंबर के माह में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएंगी सभी कैंडिडेटों की, नवंबर तक सभी कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग हो जाएंगी, जो मेडिकल यूनिट होंगे उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि DFCCIL के बारे में आप ग्रुप में या कहीं से भी जो भी जानकारी मिलती है उसके बारे में गलत ना सोचें। DFCCIL खुद बहुत जल्दी चाहता है, बहुत जल्दी आप लोगों की ज्वाइनिंग चाहता है, बस ट्रेनिंग सेंटर खाली ना होने के कारण इतना लेट हो रहा है। DFCCIL खुद से लेट नहीं कर रहा दोस्तों। तो याद रखिए DFCCIL के घर देर है अंधेर नहीं। तो आप सभी की ज्वाइनिंग नवंबर के लास्ट महीने तक सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। सेकंड फेज वालों की दिसंबर में कोई ना कोई अपडेट आएगी, जनवरी तक हो सकता है उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाए। तो वेटिंग लिस्ट वालों को थोड़ा सा वेट करना होगा, मार्च तक का उनका भी कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आएगा। तो दोस्तों यहीं पर मैं बोलना चाहता हूँ कि DFCCIL को आप फालतू कॉल ना करें, जैसा कि मैंने पुरानी वीडियो में बोला था, तो आप उनको परेशान ना करें दोस्तों। DFCCIL का इसी बात से पता चलता है कि 20 से 28 तारीख के बीच में 3 अपडेट दे चुका है DFCCIL। तो DFCCIL अपनी साइड से पूरी मेहनत कर रहा है। तो एक बार मैं DFCCIL को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन कैंडिडेटों के लिए जो इतनी मेहनत कर रहा है और धीरे धीरे सही, लेकिन दोस्तों DFCCIL वर्क कर रहा है और आप लोगों की ज्वाइनिंग देता जा रहा है। और अच्छी बात भी है कि दोस्तों ये धीरे धीरे हो रहा है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होने वाली। जिनकी ज्वाइनिंग नहीं आए उनको डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जिनका ज्वाइनिंग हो चुका है या जिनका ज्वाइनिंग होने वाला है वो आपको कोई ना कोई सजेस्टमेंट दे देंगे, कोई ना कोई अपडेट दे देंगे, तो आपसे ना कोई डॉक्यूमेंट पैसे होंगे। और अब थोड़ा सा वेट कीजिए, आप सभी की ज्वाइनिंग आएगी, ज़रूर आएगी। तो दोस्तों यही छोटी सी अपडेट थी, फिलहाल सिविल वालों के लिए खुशखबरी है, दीपावली का तोहफा 1 से 50 तक की ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। तो दोस्तों उनकी ज्वाइनिंग है 15 तारीख को, ये बहुत बड़ी खुशखबरी हुआ था। और आप अपनी ईमेल रेगुलर विजिट करते रहिए, DFCCIL को फालतू कॉल ना करिए दोस्तों। जैसे जो भी अपडेट आएगी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। फिलहाल दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और प्लीज़ दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
हमारी वेबसाइट thevirlstudy.com को एक बार जरूर विजिट करें, साथ ही साथ विजिट करें thevirlinformation.com को। दोनों दोस्तों दोनों साइडें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। पहली साइड पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा तो दोस्तों, दूसरी साइड फुल इंग्लिश लैंग्वेज में, और दोस्तों यहाँ पर लाइफ स्टाइल और मतलब हेल्थ केयर फूड वगैरह से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आपको द वायरल इन्फॉर्मेशन को विजिट करना और हमें कमेंट में ज़रूर बताना इसमें क्या सुधार की गुंजाइश है और आपको हमारी दोनों साइडें कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू जानकारी के साथ। थैंक यू।